हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो है 2019 नेशनल अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स। 2019 नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखिए फ्रेंड्स, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उस दिन बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद, हॉकी प्लेयर, जो हॉकी के प्लेयर थे उनका बर्थडे होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब ज़रा देखते हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे। फ्रेंड्स, ध्यानचंद ही वॉज इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर। ही वर्कड फॉर ब्रिटिश आर्मी। वो इंडियन हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कौन से इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंडर काम किया था? वो थे ध्यानचंद। ही रिसीव्ड द पद्म भूषण फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956। उन्होंने 1956 में पद्म भूषण अवार्ड हासिल किया। द ध्यानचंद अवार्ड इज अवार्ड इन इंडिया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो ध्यानचंद, उनके नाम से एक अवार्ड भी रखा गया है जो ध्यानचंद अवार्ड है। वो अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ही स्कोर्ड 1000 गोल इन लाइफ टाइम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000 गोल किए हैं, इसीलिए उनके इतने कारनामे अंजाम दिए हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो उनके बर्थडे के दिन स्पोर्ट डे मनाया जाता है। द नेशनल स्टेडियम दिल्ली वाज रीनेम्ड ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो उनके नाम से जो एक दिल्ली में स्टेडियम है उनके नाम से रखा गया है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। देखिए, जो स्पोर्ट कैटेगरी में सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो दिया गया था, किसको दिया गया था? दीपा मलिक एंड बजरंग पुनिया को दिया गया था। अब 2018 में जो दिया गया था वो था विराट कोहली एंड सिकॉम मीराबाई छानू को दिया गया था इन वेट लिफ्टिंग। मीराबाई छानू ने वेट लिफ्टिंग में ये अवार्ड हासिल किया था। इसमें कैश प्राइज होता 7.5 लाख का। दिस अवार्ड वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया था। सबसे पहले ये अवार्ड 1991 में दिया गया था। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद थे जो चेस के प्लेयर थे, सबसे पहले उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया था। कब हासिल किया था? 1991 में, जब से इस अवार्ड की बुनियाद रखी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, दीपा मलिक कौन थी? दीपा मलिक इज़ ए नोटेड पैरा एथलीट फ्रॉम इंडिया, हरियाणा। ये हरियाणा की रहने वाली थी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन द पैरालंपिक मेडल। ये पहली पैरा एथलीट प्लेयर थी जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हासिल किया। पैरा एथलीट से मतलब ये थी फिजिकली चैलेंजेड थी ये वूमेन। ये पहली वूमेन, पहली फिजिकल चैलेंजेड थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए जिनको। बजरंग पुनिया कौन थे? बजरंग पुनिया फ्रॉम हरियाणा। ये थे बजरंग पुनिया, ये हरियाणा के थे। वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन रेसलिंग। इनको रेसलिंग में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। और फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दीपा मलिक और ये बजरंग पुनिया जिन्होंने 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हासिल किया, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ये थे दोनों हरियाणा के थे। अब फ्रेंड्स आते हैं अर्जुन अवार्ड 2019। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स दिस अवार्ड स्टार्टेड इन 1961। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। दिस अवार्ड हैज़ गिवन टू पर्सन हु हैज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 ईयर्स। ये अवार्ड उस पर्सन को दिया जाता है जिनकी 4 ईयर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, 4 साल लगातार उन्हें अच्छा खेला हो। कैश प्राइज होता है 5 लाख का, सर्टिफिकेट होता है ब्रूंस एंड स्टैट्यू होता है अर्जुन एंड स्क्रोल। ये आप देख सकते हैं अर्जुन अवार्ड। अब आते हैं 2019 के जो इनके विनर थे। फ्रेंड्स, ये अवार्ड हर साल कम से कम 10-15-20 लोगों को दिया जाता है। ये देखिए 2019 में जो इनके विनर थे इनकी लिस्ट ये दी गई है, ये 20 हैं तकरीबन, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये उसका PDF फाइल भी दिया गया है, वो भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड।
ये द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू द कोचेस फॉर इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर दोज हु हैज प्रोड्यूस्ड मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। फ्रेंड्स, ये द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ये उनको दिया जाता है, उन कोचेस को दिया जाता है। ये अवार्ड किन को दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है। किन कोचेस को दिया जाता है? उन कोचेस को जिनके प्लेयर्स ने इंटरनेशनल में बहुत अच्छे मेडल हासिल किए हों और कंट्री का नाम रोशन किया जो गया हो, ये उन कोचेस को दिया जाता है। फ्रेंड्स, दिस अवार्ड वॉर फर्स्ट अवार्ड 1985, ये 1985 में फर्स्ट पहली बार अवार्डेड किया गया था। फर्स्ट विनर्स इसके जो थे बाल चंद्रा भास्कर, रेसलिंग में थे ओम प्रकाश भरद्वाज, बॉक्सिंग में थे ओ एम नंबीर, एथलेटिक्स में थे, ये छः लोगों को दिया गया था। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह ढिल्लों को दिया गया था एथलेटिक्स में, संदीप गुप्ता को दिया गया था टेबल टेनिस में, विमल कुमार को दिया गया था बैडमिंटन में, संजय भारद्वाज को दिया गया था क्रिकेट में, रणबीर सिंह कोकर को दिया गया था कबड्डी में, मजबेन पटेल को दिया गया था, मजबान पटेल को दिया गया था ये हॉकी में। ये छः कोचेस हैं 2019 में जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये कोचेस को दिया जाता है उनकी इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर। फ्रेंड्स, आप देख, अब जो अवार्ड है वो ध्यानचंद अवार्ड है। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानचंद अवार्ड किन किन को दिया जाता है। अवार्डेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होनी चाहिए स्पोर्ट्स और गेम में। जैसा कि आपने मैंने बता दिया ध्यानचंद कौन थे, तो उनके नाम से ये अवार्ड रखा गया है। फर्स्ट अवार्ड इन 2002, ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 2002 में। द फर्स्ट विनर्स ऑफ अवार्ड वेयर शौरज ब्रजदार बॉक्सिंग में, अशोक देवन हॉकी में एंड अपर्णा घोष बास्केटबॉल में इनको मिला था। 5 लाख का कैश प्राइज होता है, सर्टिफिकेट होता है और एक स्टेट होता है। ये आप देख सकते हैं ध्यानचंद अवार्ड है। विनर्स ऑफ ध्यानचंद अवार्ड 2019, अब जो 2019 में इनके जो विनर थे कौन कौन थे, वो मनोज कुमार थे रेसलिंग में, सी लाल राम संगा थे आर्चरी में, अरूप बासक थे टेबल टेनिस में, नितिन करेन थे टेनिस में, मेनुअल फ्रेडरिक थे हॉकी में। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस, फॉर इंपॉर्टेंट वीडियोस, एग्जामो फोकस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जब आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे, SSB, PSC और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स होती हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर उठा लो, स्टेट वाइज उठा लो, SSC का उठा लो या JK SSB का उठा लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से 3 तक क्वेश्चन तो होते ही हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड के। अब 2019 में जो भी थे स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 1 या 2 वीडियो मेरी और आएंगी, उसमें से आप इसकी स्पोर्ट्स जो भी है स्पोर्ट्स की करंट अफेयर वो कवर हो जाएगी, जो आपको फ़ायदेमंद रहेगी। 10-15-20 मिनट की टोटल वीडियो होगी, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली लिख लेंगे, आप लिख के ले लो, वो निकलेंगे इसमें से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एग्जामो फोकस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको इस फाइल के PDF चाहिए, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।